हे दिस इज लीजा। जब स्कूल में बायोलॉजी के लेसन्स में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के बारे में बताते थे तब पीनस मेल बॉडी में टिपिकली लेबल किया रहता था लेकिन फीमेल बॉडी में सिर्फ ओवरीज और यूटरस दिखाया जाता है। वल्वा और क्लिटोरिस का शायद नाम भी हमें नहीं बताते। एज अ रिजल्ट अक्सर मर्दों को ही नहीं औरतों को भी फीमेल बॉडी और प्लेजर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। We ourselves often do not know enough about how our bodies work in relation to pleasure, and this needs to change. So let's take a look at an educational model of the vulva. Ye hai vulva ka ek educational model. Even though log commonly entire private parts ko vagina bolte hain, actually iska correct naam hai vulva. Vagina sirf ye internal tube hota hai. जहां से पीरियड्स निकलते हैं, सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे निकलते हैं। और तो और बहुत लोगों को ये नहीं जानते कि हम वजाइना से यूरिनेट नहीं करते। यूरिन के लिए वजाइना के थोड़ा ऊपर एक छोटा सा अलग ओपनिंग है जिसका नाम है यूरीथ्रा। ओके, सो अब हमें वजाइना और वल्वा का डिफरेंस पता चल गया है तो वल्वा के बाकी पार्ट्स के बारे में जानते हैं। वल्वा के आउटर लिप्स को लेबिया मेजोरा बोलते हैं और इनर लिप्स को लेबिया माइनोरा। और ये है क्लिटोरिस जो वल्वा ओनर्स के सेक्सुअल प्लेजर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजोरिटी औरतों को ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करने के लिए क्लिटोरल स्टिम्युलेशन जरूरी है, सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं। और तो और क्लिटोरिस इंटरनली भी एक्सटेंड होता है। उसका अंदरूनी हिस्सा वैजिनल कनाल के दो साइड्स पर फैला होता है। इसी वजह से क्लिटोरल और इंटरनल स्टिम्युलेशन साथ में बहुत प्लेजरेबल फील हो सकती है। इरेक्शन, पेनिट्रेशन, इजैक्युलेशन यानी कि आदमियों के प्लेजर की बातें हम एक यंग एज से सुनते आते हैं, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स में और जनरल सोसाइटी में भी। बट औरतों को सिखाया जाता है कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए है या फिर अपने हस्बैंड की तरफ एक ड्यूटी है। हमारे लिए सेक्स एजुकेशन सिर्फ पीरियड्स और प्रेगनेंसी तक ही सीमित है और वो भी इफ यू आर वेरी लकी। लेकिन वल्वा और क्लिटोरिस के बारे में और कोई भी बातें जो हमारे प्लेजर से जुड़ी हो उनके बारे में कभी बात ही नहीं होती। हम सबको अपनी बॉडी और सेक्सुअलिटी के बारे में साइंटिफिकली एक्यूरेट और जजमेंट फ्री नॉलेज मिलने का हक है और सेक्स एजुकेशन सिर्फ एसटीडीज, कॉन्डम्स, प्रेगनेंसी और बीमारियां तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात करना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, लास्टली क्लिटोरिस के बारे में एक फन फैक्ट। क्या आपको जानते हैं कि क्लिटोरिस और पीनस एक्चुअली काफी क्लोजली रिलेटेड है? जब प्रेगनेंसी के टाइम एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब क्लिटोरिस और पीनस दोनों ही एक सेम टिश्यू से बनते हैं, इसलिए क्लिटोरिस और पीनस इन मेनी वेज काफी सिमिलर होते हैं। दोनों का एक शाफ्ट और एक हेड होता है, दोनों ही अराउजल के टाइम इरेक्ट हो जाते हैं और दोनों सेक्सुअल प्लेजर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। Please give it a big thumbs up if you did. Don't forget to subscribe to my channel. Leave me a comment, share this video और मुझे Instagram पर भी follow करें। I will see you soon. Bye.